हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं गोकुल बाबा के दर्शन करने के लिए। और जैसा कि मैं तो नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो गया हूँ, और दिव्या भी गई हुई है फ्रेश होकर के, वो भी तैयार होगी, और फिर हम लोग चलेंगे आज गोकुल बाबा के दर्शन करने। तो दोस्तों, फटाफट हम लोग तैयारी कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों को फिर गोकुल बाबा में। गोकुल बाबा जाने के लिए तैयार, और पहुँच कर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही लेट हो चुके हैं। 9 बज चुका है, पहुँचना था 6 बजे और हो गया है 9, तो फटाफट पहुँच कर। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग गोकुल बाबा के धाम आ चुके हैं, और अब मंदिर पहुँच करके जो भी हमारी पूजा पाठ की क्रिया है, बाबा के दर्शन करेंगे। और ये है मंदिर का गेट, दिख तो रहा है इसमें। और दर्शन करने के बाद में हम लोग फिर घर के लिए प्रस्थान करेंगे। फिलहाल अभी तो मंदिर आए हुए हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट करना है, मेले का पूरा आनंद लेना है। और अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मिलने वाले हैं, वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, और मंदिर पर जाने के लिए कोई प्रसाद वसाद तो लेना पड़ेगा। तो फूल पत्ती यहाँ पर ली जा रही है, जो भी भगवान का प्रसाद वहाँ पर जो चढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर, दर्शन करेंगे बाबा के। और कुछ तो लेना है नहीं, जो प्रसाद लेना है वो लेना है। चलो, तो दोस्तों हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, और अब चलते हैं बाबा के धाम की तरफ दर्शन करने के लिए। और दर्शन करके फिर हम लोग मंदिर से पीछे के द्वार से निकलेंगे बाहर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है चारों तरफ। दिव्या सही है, चारों तरफ बहुत ही अधिक आपको भीड़। इस बार तो फिर भी कुछ कम है, बाकी हर साल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। यहाँ लाइन में हम भी लग चुके हैं, बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पोती पोतने की अगर कोई भी मन्नत मानो तो वो पूरी होती है। मान ली हो चुकी है पूजा यहाँ पर, ये यहाँ पर बाहर मन्नत तो आपकी पूरी करें भगवान जी, और सभी का कल्याण कर। यहाँ पर बहुत ही मतलब पहले का नियम कुछ दूसरा था, और अभी के नियम बदल चुके हैं। पहले पूरा मंदिर घूमने का मौका मिलता था, पर अभी यहाँ पर को नहीं मिलता है। चलें, ये पीछे भगवान श्री हनुमान जी की अर्जुन बलि बाबा का बना हुआ है दरबार, बहुत ही सुंदर लगता है। संगत भगवान की भक्त है ना, इसलिए। तो पूजा हम लोगों की हो चुकी है ना, तो यहाँ पर जो भी थोड़े छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं सभी के पैर छूने बाकी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, और अब हम लोगों का चलने का वक्त हो चला है। बाबा के दर्शन करके हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। यह है नीचे का नज़ारा। तो बहुत ही भयंकर यहाँ पर खतरनाक टाइप की भीड़ हो चुकी है, और अब चलते हैं हम लोग, क्योंकि लगभग सभी लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। तो जैसे कि हम लोगों ने दर्शन करने के बाद यहाँ खाना पीना चल रहा है, मेरी पूरी फैमिली आई। अब हम लोग चल रहे हैं झूला झूलने के लिए,
और ये देख सकते हैं आप, इतना हैवी झूला। मुझे तो बहुत ही डर लगता है झूला वूला झूलने में, मगर अब डिमांड है भाई, सब लोग यहाँ पर हैं साथ की फैमिली में, सीलू कंचन भाई फ्रेंड्स सब लोग झूला झूलने के लिए चल रहे हैं। दूसरे से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद में फिर झूला झूला जाएगा। कमेंट में बताना मुझे किस किस को ऐसे झूलों से डर लगता है और किसको किसको मजा आती है झूला झूलने में। भाई मुझे तो डर लगता है, सच बात तो ये है। चले आप चलो आगे आगे भाई साहब, चलो हम सबसे लास्ट में रहेंगे ना। माय गॉड यार, जो मेरी हालत है हम ही जान सकते हो। मेरे पूछ रहा है वो वाला झूला झूला सही है, ये वाला बोलते रहूंगा भाई। ओ माय गॉड, भगवान भोलेनाथ बाबा आपका नाम ले करके समझ लो हम लोग झूला झूले भाई, मगर अब पक्का बता रहे कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा झूला नहीं झूलेंगे। वो वाला सही रहेगा, अब कोई नहीं झूलेंगे, झूला नहीं झूलते हैं। बहुत डर लगा, इतना भयंकर की वीडियो तक नहीं बना पाए, क्या क्या बोले रो देते हैं। बैग लेना है क्या? हेलो दोस्तों, तो हम लोग बाबा जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं, अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके बाबा के। झूला झूलने का तो हाल ही ना पूछो, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जब भी कभी जाइएगा तो एक बार झूले का ज़रूर आनंद ले लेना, बहुत ही खतरनाक झूला था, बाकी बहुत अच्छा लगा। बाबा सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे हैं, और सभी को अगर मौका मिलता है तो आप सभी लोग गोकुल बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाएं। कहते हैं कि वहाँ पर जो भी मनोकामना कहो भगवान से वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो प्लीज़।